दिन के बाद में आज इन्हें विजय प्राप्त हुई है। ढोल लंगाड़े बड़े अच्छे खुशी के बज रहे हैं और जो विजय प्राप्त की जाती है उसमें एक रौनक, एक खुशी अजीब तरीके की होती है। तो महिलाओं के पैर रुक नहीं पा रहे हैं, वो नाचने के लिए मजबूर हो रही हैं। आइए हम बात करते हैं, आपने ये आज 59 दिन के बाद में विजय प्राप्त की है, तो संतोष जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी हो रही है, हमने विजय प्राप्त करी इतनी मुश्किलों से लड़के। आगामी योजना अब क्या रहेगी आपकी? हम जनवरी से फिर धरने पे जाएंगे, अब की बार मोदी के खिलाफ। जनवरी से? हाँ जी। तो मोदी ने क्या बिगाड़ा है? अभी जैसे हमारी दो जगह से तनख्वाह आती है ना, तो आधी हमारी केजरीवाल सरकार की तरफ से और आधी मोदी सरकार देती है, तो अभी तो केजरीवाल की तरफ से बढ़ी है, अभी मोदी की तरफ की तो बाकी है ना हमारी। ये आपको किसने बताया कि आधी केजरीवाल की तरफ से बढ़ी है, आधी उससे तो बढ़ी है? आती दो जगह से ना, हमें पहले से ही पता है हमारी दो जगह से सैलरी आती है, तो एक देती है केंद्र सरकार, एक देती है राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार से तो हमारी बढ़ गई, अब राज्य सरकार से हमें लेना है। आपकी सैलरी कैसे आती है, वो बाई हैंड देते हैं या चेक आता है? कैसे आती है? अकाउंट में आती है। आपको इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आपके चेहरे पर रौनक और आप खिलखिलाहट करके हंस रही हैं, और 59 दिन तक आप ऐसी बैठी थी, कोई यहाँ बीमार हो रहा है, किसको घस आ रहा है, कुछ आ रहा, तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज हम बहुत खुशी महसूस कर रही हैं और सारी सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई, और SM न्यूज़ वालों ने हम लोगों का जो साथ दिया है वो किसी और चैनल वालों ने नहीं दिया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, सच में बहुत मेहनत की है हम सब ने इस दिन को पाने के लिए, और आज जो हमें खुशी मिली है ना, बस उसे हम बयान नहीं कर सकते। आगे पता हमारी तनख्वाह 14,000 हर वर्ग को कर दिया, 16 मैडम को, आगे हम वोट देते रहेंगे, आगे बार मुख्यमंत्री इन्हीं को ही बनाएंगे। आप कुछ कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, आज हमारी यूनियन की, हम सब बहनों की मेहनत जो है इतने दिनों बाद जो आज हम सफल हुए हैं, तो वो अलग ही हमारे खुशी है, खुशी रहेगी भी, और हम सब बहुत खुश है कि सारी जो बहनें हैं उनकी जो मेहनत है आज सफल हो गई। आज खुशी का माहौल देखने में ये लग रहा है कि आज दिवाली, होली, रक्षाबंधन, सारे पर्व आज महिला यहाँ बड़े धूमधाम से मना रही हैं, और ढोल तमाशों के साथ बड़े अच्छे ढंग से खुशी का इजहार कर रही हैं और नाच रही हैं, गा रही हैं। क्यों? क्योंकि लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 59 दिन से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही थी, और उन धरना प्रदर्शन के तहत आज दिल्ली सरकार पर इन्होंने विजय प्राप्त की है, और विजय प्राप्त करने के बाद में इन्होंने विजय रैली निकाली, और रैली के अंदर यूनियन के नारेबाजी बहुत अच्छे ढंग से लगा रही थी, तो इसी तहत इन्होंने जो इनकी मांग थी वो पूरी कर ली गई है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।